है इस साइड वाली गन्ना तो बहुत इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं चलाऊंगे, ऊपर भी गन चलाऊंगा। अच्छा जी, कुछ लोग ये पूछते हैं, सलाम अलैकुम, कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं इनका इंजन वॉश करवाना चाहिए या नहीं। सो लेट्स डिस्कस इट, इनको ज़रा वॉश करने दें प्रॉपरली। अभी मैं नारायण का गांव से होकर आया हूँ तो इंजन की हालत जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, तो आई प्लान्ड के मैं इसको वॉश करवा लूँ। द बेस्ट वे टू गेट इट वॉश के आप डीलरशिप से करवा लें, अदरवाइज़ इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इस इंजन को वॉश करवा सकते हैं या नहीं। इट्स सिमिलर टू लाइक अदर कार्स, हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो पीछे है, बैटरीज आर एट द बैक, ट्रंक के नीचे हैं। तो ऐसा मसला नहीं होता है कि आप इसको वॉश नहीं करवा सकते, लेकिन कभी कभार जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डस्टी हो चुका है तब आप वॉश करवा लें। हर सर्विस पे पूछते हैं, लड़के होते हैं तो वो हर सर्विस पे पूछ रहे होते हैं सर इंजन वॉश कर दें, तो उस तरह नहीं करना चाहिए। तो अभी ये इंजन वॉश करेंगे, बट आई डू कि इंजन की जो ड्रेसिंग होती है वो मैं घर जाकर करूँगा, इस पर अप्लाई, इस पर पहले भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई अटैच द लिंक। वो जो प्रोडक्ट है वो बड़ा बेहतरीन है, वो रिफ्रेश कर देता है आपके प्लास्टिक पार्ट्स को जितने भी होते हैं। और यहाँ पर क्या फ़ायदा है, घर पे इंजन ड्रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन घर पे इंजन वॉश करने का मसला ये होता है कि आप वॉश तो कर लेते हैं उसको अच्छी तरह से, लेकिन आपको यहाँ पर इनके पास वो जो हाई प्रेशर हवा वाला पंप होता है उससे जितने भी पानी के पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं तो वो उससे सूख जाते हैं। कमर्शियल अच्छा सेंटर हो जहाँ पर, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप इसको घर पे धो रहे हैं तो घर पे नहीं धोना चाहिए, और इसको नॉर्मली भी वॉश नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो हाइब्रिड है या चाहे वो दूसरी गाड़ी है, चाहे सोनाटा है या जो भी गाड़ी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उसको ये नहीं है कि आप हर सर्विस पे उसको, मैं हर हफ्ते सर्विस करवाता हूँ कमर्शियल और दो तीन दफ़ा घर में भी करता रहता हूँ, जब मेरा टाइम नहीं लगता है घर तो मैं कमर्शियल सर्विस करवा लेता हूँ। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई मसला भी नहीं है, बस गाड़ी को बंद करके आप इंजन को वॉश करवा सकते हैं। बैटरी टर्मिनल्स जो लेटेस्ट गाड़ियाँ होती हैं वो उनके अच्छी तरह से कवर होते हैं, तो ऐसा भी मसला नहीं होता है कि आप इस चीज़ को इतना लेकर परेशान हो।
कंडीशन की बात कर रहा था मैं कि काफ़ी हाई प्रेशर होता है तो इससे पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। बस ठीक है, अंदर से ठीक है। जब गाड़ी पे PPF होती है तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि वो जो जैसा भी कपड़ा यूज कर रहे हैं काम चल जाता है कमर्शियल सेंटर्स पे। अच्छा, अगर आपके सर्विस स्टेशन में कुछ इस तरह सी ऑटोमेटिक वॉशर मशीन लगी हुई है, ये घूमता है और पानी और ये सारा कुछ, तो अवॉइड करें। अभी अगर आप देखेंगे तो इनकी रबर्स आपको नीचे से ये देखिए काफ़ी ख़राब हुई नज़र आ रही हैं, तो इसको अवॉइड करेंगे। तो ये वो इस तरफ वगैरह क्रोम के ऊपर पेपर कवर वगैरह आपने लगवाए होते हैं तो वो उनको भी उतार सकता है, और मैं नहीं करवाता हूँ यहाँ से। एक दो दफ़ा वैसे ये नहीं है करवाई नहीं है या एक दो दफ़ा गुजारी हैं गाड़ी, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होता हूँ इस चीज़ को लेकर, तो मैं उनको कहता हूँ भाई मेरी गाड़ी वैसी मैनुअली वॉश करें। अच्छा, ये ट्रैफिक को ठीक करने आते हैं लेकिन ट्रैफिक को डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं। क्विक सर्विस। अच्छा।